व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएस फूड ट्रैवल। सो आपको फिर से लेके आए हम भिलाई छत्तीसगढ़ के एक लोकेशन पे, जो है हल्दीराम, जिसका आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा। ये हल्दीराम है आपका सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल, आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में जुनवानी रोड पे है, जुनवानी रोड पे नियर अपोलो हॉस्पिटल। ओके, बिल्कुल उसके नियरेस्ट पॉइंट पे जो रोड जा रही है यहाँ पर है। तो आपको चलिए लेके चलते हैं इस मॉल के अंदर एंड हल्दीराम में आपको विजिट कराते हैं। सो प्लीज़ गिव विद दिस वीडियो ओके, एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, लेट्स गो। सो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं ये ब्लॉग काफ़ी लेट लेके आ रही हूँ, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इस ब्लॉग में बने रहिएगा। सो अब हम मॉल के अंदर जा रहे हैं, दिस इज़ द वे। ओके, सो यहाँ बहुत अच्छा से लिखा हुआ है आई लव भिलाई। तो चलिए अब आपके साथ चलते हैं हल्दीराम। ओके, सो यहाँ हम आ गए हैं मॉल के अंदर। चलिए आपको थोड़ा सा मैं मॉल टूर कराती हूँ। अभी समर वेकेशंस चल रही हैं तो यहाँ पे किड्स के लिए बहुत अच्छे इन्होंने अरेंजमेंट्स करके रखे हैं, गेम जोन्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मैं आई भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थी। सो चलिए मैं आपको हल्दीराम की तरफ लेके चलती हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा किड्स सेक्शन दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिजनीज के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एरियल, रुपेंजल एंड बहुत सारी डिज्नी कैरेक्टर्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, मिकी माउस, नॉडी। सो बिल्कुल आप लोग आइए, बच्चों के साथ आ सकते हैं। सो ये रहा हल्दीराम जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, बट पहले मैं ये आपको किड्स वाली चीज़ें दिखा दूँ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड दिस इज़ द वे। ओके, सो ये वे है आपका हल्दीराम और बिल्कुल शिप के शेप में बना है ये मॉल। सो लेट्स गो। सो फाइनली अब मैं आपको हल्दीराम में लेके चलती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको इसका एग्जैक्ट एड्रेस बता दूँ। फर्स्ट फ्लोर में है, जैसे ही आप लोग मॉल में एंटर करेंगे लेफ्ट साइड आपको स्ट्रेट आना है, देन वहाँ पे स्टेयर्स हैं, उसके थ्रू आप फर्स्ट फ्लोर में आ सकते हैं। एंड बिल्कुल वहाँ जैसे ही आप आएंगे आपको हल्दीराम बिल्कुल शो हो जाएगा। ओके, सो अब हम आ गए हैं हल्दीराम, तो चलिए अंदर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, फुल फैमिली डाइनिंग है, प्रॉपर हाइजीन है, क्लीनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये ऑलरेडी इन लोगों ने सीट लेके रखी है। ओके, सो बस मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से व्यू कराती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठ गए हैं। उर्वी ये तो ऑर्डर के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके उर्वी, तो ये है वहाँ का मेन्यू कार्ड जो हम सेलेक्ट करने में लगे हुए हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उर्वी का तो पहले से ही डिसाइडेड है, वो आपको आगे बताते हैं। ओके, देन यहाँ पर पापा ने करी एक थाली ऑर्डर एंड दीदी ने किए छोले भटूरे। ओके, तो यहाँ पर आ गया है उर्वी का ऑर्डर मुंबई पाव भाजी, जो हल्दीराम की स्पेशलिटी है। एंड यहाँ पे दीदी उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है ओनियन एंड लेमन के साथ। सो शी सेज नो नो मम्मा, मैंने ऐसे ही खाना है। ओके, सो नाउ वो टेस्ट करके हमें बताने ही वाली है कि व्हाट अबाउट द टेस्ट उर्वी, हाउ इज इट, इट्स गुड, येस। सो शी लाइक्स पाव भाजी। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं फिर हम कि छोले भटूरे कहाँ रह गए। तो छोले भटूरों से पहले आ गई है पापा की सुप्रीम थाली, जिसमें है पापड़ जो उर्वी को बहुत पसंद है, एंड साथ में आए हैं लच्छा पराठा। ओ माय गॉड, छोले भटूरे भी आ गए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट अबाउट दी थाली एंड व्हाट अबाउट दी छोले भटूरे। सो दीदी ने की साइड में प्लेट एंड शी कॉन्सेंट्रेट टू ईटिंग छोले भटूरे। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ सब अपने अपने खाने में बिजी हैं। सो अब ये आई स्पेशल छाछ जो कि सुप्रीम थाली के साथ एड ऑन थी। सो अब पापा इसे पी के बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा। पापा ने अपनी छाछ पे कॉन्सेंट्रेट किया, उन्होंने बोला चलो मैं भी इसे पी के बताता हूँ कि कैसी है। तो मैंने पूछा पापा कैसी लगी छाछ आपको, तो पापा बोले बहुत बढ़िया है, तुम भी पी के देखो। सो नाउ पापा एक्साइटेड टू वाओ इट्स गुड, एंड दीदी व्हाट अबाउट छोले भटूरे, सो शी शेयर्स ओके इट्स गुड ना उर्वी, इसे तो आप जानते ही हैं। तो ये आ गया है मेरा किया हुआ ऑर्डर स्पेशल राज कचौड़ी, जिसकी प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग लग रही है।
प्रॉपर फीलिंग के साथ। सो मुझे इसे खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतनी प्रीटी लग रही है इसके प्रिपरेशन। सो चलिए अब मैं आपको इसे खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। जैसे कि मैंने बाकी का रिव्यू तो आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, सो सारी डिश मैं अब आपको बताती हूँ। एंड मैंने एक चीज़ और ऑर्डर की है, सो अब वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल दिखेगी। ओके सो लेट्स गो। तो ये हूँ मैं, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, मैंने अपनी राज कचौड़ी खाई है, मुझे बहुत यम्मी लगा। अब मैंने बोला चलो छोले भटूरे खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। एंड रियली छोले भटूरे का टेस्ट भी अच्छा था। देन मैंने उर्वी की तरफ देखा कि क्या मैं पाव भाजी शेयर कर लूँ। सो शी इज़ सो स्वीट, ओके मौसी आप कर लो। एंड जैसे ही मैंने पाव भाजी खाई, ओ माई गॉड, मेरी नेक्स्ट ऑर्डर डिश भी आ गई। तो ये थे पानी पूरी। एंड अभी तक मुझे पाव भाजी बहुत टेस्टी लगी जितनी भी डिशेस मैंने खाई। तो मैंने अब पानी पूरी खाना शुरू किया एंड ये दिखने में तो बहुत अमेजिंग थी। सो अब इसका पानी टेस्ट करते हैं कि कैसा है। एंड फुल हाइजीन है यहाँ पे, सो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड पानी पूरी जब मैंने खाई ये बहुत टेस्टी थी। सो ये है सुप्रीम थाली। सो बाद में मैंने एंड उर्वी ने साथ में फिनिश किया सारा कुछ, क्योंकि ऐसे फूड वेस्ट करना इट्स नॉट गुड। सो मैंने एक लच्छा पराठा और ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे सारी वेजिटेबल्स एंड राइस फिनिश करने थे। सो उर्वी एंड मैंने साथ में शेयर करके सारा कुछ खाया। एंड शी लाइक्स पापड़, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑल ओवर मैं ये कहूँगी कि हल्दीराम अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, आप लोग जा सकते हैं बिल्कुल। एंड वहाँ के फूड्स वगैरह बहुत हाइजीन है, आराम से खा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने आपको 5 डिशेज़ यहाँ पे बताई, पाव भाजी, छोले भटूरे, सुप्रीम थाली, पानी पूरी एंड वन मोर राज कचौड़ी। सो ऑल आर गुड। सो आफ्टर डिनर हम गए आइसक्रीम सेक्शन की तरफ। तो हम थे ऊपर फैमिली डाइनिंग में, सो इस तरीके से अंदर की तरफ से भी स्टेयर्स गई हैं नीचे जाने के लिए। सो आप लोग आराम से जा सकते हैं, बट केयरफुली, क्योंकि नीचे थोड़ा सा यहाँ पर गैप है। सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ, किड्स के साथ हैं, सो प्रॉपर आप गैप को ध्यान में रख के आइएगा, नहीं तो फिर बाहर की साइड से फर्स्ट फ्लोर से आ जाइएगा। सो ये है नीचे का सेक्शन, सो यहाँ सारा कुछ मिलता है। तो ये है आइसक्रीम सेक्शन, जहाँ पे बहुत यम्मी आइसक्रीम मिलती है। एंड इस दिन एक फ्लेवर और था पिस्ता, वो फिनिश हो गया था, सो हम सब ने फिर चॉकलेट ही ऑर्डर किया। सो बहुत अच्छा था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड था। एंड आप लोगों के लिए बहुत दिनों से एक ब्लॉग भी लाना था, सो अच्छी जगह है, आप लोग बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, एंजॉय करिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाइए। हल्दीराम जहाँ भी है वो बहुत जेन्युइन है एंड वेरी हाइजेनिक है। सो थैंक यू सो मच, कीप विद दिस वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स।